आइए बच्चों, आज हम एप्लीकेशन कैसे लिखना है इसके बारे में सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आता है। एन राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट लीव फॉर वन डे। आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो भी काम आएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो भी काम आएगा। यदि आप मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे इस प्रिंसिपल के जगह में हेडमास्टर, केवल हेडमास्टर बस चेंज रहेगा, बाकी वही रहेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको समझने पर नहीं, क्वेश्चन क्या बोला, राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखिए। किनको लिखना है? टू योर प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को। टू योर हेडमास्टर, अपने प्रधान पाठक को। क्यों लिखना है? टू ग्रांट लीव फॉर वन डे, कि एक दिन के लिए मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, मुझे छुट्टी देने का कृपा करें, इसकी वजह से हम ये एप्लीकेशन लिखना है। चलिए आंसर में क्या करते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये मार्जिन बना हुआ है, मार्जिन मैंने पहले बना चुका है। यहाँ पे आगे लिखते हैं, मार्जिन के आगे लिखना है हमें, हल्का सा जगह गैप छोड़ करके यहाँ पे दिखाएगा टू। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू, और उसके बाद हमें इस बात को ध्यान रखना है, टू के बाद हमें कॉमा लगाना है। जब हम नए नेक्स्ट लाइन में पहुंचते हैं तो इस टू के बाद रहता है द, टू द, ध्यान रखें नेक्स्ट लाइन होने की वजह से द का टी कैपिटल लेटर में है, टू द। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जिस पोस्ट के बारे में बोला गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल लिखेंगे, यदि हेडमास्टर दिया है तो आपको हेडमास्टर लिखना है, ये बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हमें यही चेक करने वाला यही चेक करता है कि आप प्रिंसिपल लिखे हैं या हेडमास्टर, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, हम स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम। यदि नहीं दिया है क्वेश्चन में स्कूल का नाम तो अपने स्कूल का नाम लिखना है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको स्कूल का, जो दिया हुआ स्कूल है उसी का ही नाम लिखना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता हूँ अपने अपने स्कूल का नाम, जैसे कि सरस्वती ग्राम गंगा हाई स्कूल कसेकेरा। ये मेरा लाइन खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। इस बात को ध्यान रखें, पहले लाइन में कॉमा, दूसरे लाइन में कॉमा, तीसरे लाइन में मुझे फुल स्टॉप दिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जाता हूँ मैं। हाँ, इस बात को और ध्यान रखना है बच्चों की हमें हमारे स्कूल के नाम को हमेशा शॉर्ट में लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखे। हम लोग यहाँ पे छोटा स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप शॉर्ट लिखते हैं तो उसको बिंदु लगाने से पहले आपको कैपिटल लेटर ही लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ तो मुझे लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट। अगला आता है सब्जेक्ट, किस विषय में आपको एप्लीकेशन लिखना है, कारण बताना है। हाँ, तो उसका भी सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है बच्चों की, सब्जेक्ट का जो एस है और टू का टी है वो एक सीधी लाइन में रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे लोग मार्जिन के इस तरफ लिख देते हैं, ये जो कि गलत, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आधा लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, इसकी वजह से मैंने वहां पॉइंट डाला है। आगे लिखते हैं हम एन एप्लीकेशन फॉर। इस बात को भी ध्यान रखना है कि एन का ए और एप्लीकेशन का ए, देखिए ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दे ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे दोनों को ही कैपिटल लेटर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको पहला ही बस ए लिखना है, कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन लिखने से हमारा इतना काम है, सभी में होता है, टू द प्रिंसिपल लिखना ही है, सरस्वती का अपना स्कूल का नाम लिखना ही है, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर, इतना तक सभी में ही, कोई भी आप एप्लीकेशन लिख लीजिए, सभी में ये एप्लीकेशन लिखना ही पड़ता है। अब कारण बताना है, तो ये देखिए यहाँ पे ही आगे कारण बताना है, एन एप्लीकेशन फॉर, इसके बाद क्या क्या कारण है, किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्या कारण बताना चाहते हो। यहाँ पे लिखना है फॉर सी लीव,
और सी क्लिप, या आप यहां पे और लिख सकते हैं अर्जेंट वर्क, या यहीं पे ही आप और लिख सकते हैं अटेंड द मैरिज, या और क्या लिख सकते हैं, और क्या आ सकता है क्वेश्चन में, और आता है हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस तरह से जितने भी एप्लीकेशन है स्कूल से रिलेटेड आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे केवल सिक लीव का लिख रहे हैं, इसकी वजह से बाकियों को मिटा देता हूँ, कोई काम नहीं है इनका। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को ऐसा सिक लीव ऐसा लिख सकते हैं। और ध्यान रखें आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। अगला लाइन जब जाते हो आप तो यहाँ से नहीं करना, आपको शुरुआत यही से ही करना है, इसकी वजह से हमारा जो लाइन है ऐसा दिखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आगे आता है सर। इसमें भी सर को ध्यान में रखें कि सर का सब्जेक्ट, सर का एस और सब्जेक्ट का एस, ये दोनों ऐसा सीधा लाइन में मिला हुआ रहना चाहिए, और सर के बाद हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में है क्या लिखते हैं हम, रेस्पेक्टफुली। इस शब्द को लिखने के लिए बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये रेस्पेक्टिव शब्द है, आदर सूचक शब्द है, बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक के लिए आदर सूचक शब्द का उपयोग करना, इसकी वजह से हमें रेस्पेक्टफुली लिखते हैं। रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। देखिए बच्चों, अगला स्टेप में भी इतने शब्द सभी एप्लीकेशन में ही यूज होते हैं, सभी एप्लीकेशन में आपको इतना लिखना ही है। देखिए क्या किया मैंने, एक और छोटा सा रूल्स ध्यान रखेंगे। रेस्पेक्टफुली आई, आई को देखिए मैंने अभी यहाँ पे कैपिटल लिखा है। ये इंग्लिश का रूल नंबर थर्ड है, वो बोलता है कि आई जब भी अकेला हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हमेशा वो कैपिटल में ही रहेगा, कहीं पे भी रहे। तो ये इस बात को ध्यान, बैग आई बैग टू से दैट, इतना सभी में लिखा हुआ रहता है। सनम्र निवेदन, मैं आई, मैं बैग मतलब होता है निवेदन करना, उसे निवेदन करते हुए कहता हूं कि, दैट मतलब जो कि। आप आगे जो भी कारण है उसको आप आगे बना सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिक लीव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कारण बताऊंगा, सो टू से दैट आई एम सफरिंग from fever since last night। देखिए बच्चों, बाकी बचा हुआ नीचे वाला हिस्सा है। देखिए क्या बोला, I am suffering from fever since last night। मैं पिछले रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। लिखा हुआ है सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग मतलब पीड़ित होना, फ्रॉम मतलब से, फीवर मतलब बुखार, बुखार से पीड़ित हूँ। कब से, सिंस, समय सूचक शब्द लिखा हुआ है, ठीक से समय है, इसके लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। लास्ट नाइट का यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग NIGHT रहेगा, के नहीं रहेगा। तो लास्ट नाइट मतलब अंतिम रात्रि से, पिछले रात्रि से मैं यहाँ पे बुखार से पीड़ित हूँ, इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। इसी को आगे बताते हैं, सो आई कैन नॉट एबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। देखिए बच्चों, सो आई कैन नॉट एबल, एबल मतलब होता है समर्थ होना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट एबल मतलब असमर्थ होना, टू कम स्कूल आने में असमर्थ हूँ, इस कारण मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। तब आगे अंतिम में जो लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ आप लिखते हैं,
यहाँ पे मेरे पास बोर्ड छोटा मुझे आ रहा है, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे, मैं आधा मिटाऊंगा इसको, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना है, लाइनिंग को फिर से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने आगे लिखा पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो पैराग्राफ जब चेंज करेंगे आप अपने स्टाफ को, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका पैराग्राफ है उस रेस्पेक्टफुली के सीध में रहना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, जैसे कि आगे यहाँ पे काइंडली, देखिए ये पैराग्राफ चेंज हुआ, मैंने यहाँ पर गेप छोड़ा हुआ है, ये इस तरह से हमारा रेस्पेक्टफुली का आर है वो साथ में सीध में ऐसा लगा हुआ है, ये काइंडली, उसके बाद आएगा हमारा ग्रांड मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव, आगे जो नेक्स्ट लाइन पूरा करेंगे वो पूरा लिखा है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे दैट इज, जैसे एक दिन का छुट्टी लेना है तो उस डेट, उस दैट इज का मतलब होता है उस दिन का नाम दे देते हैं, उस दिन का जो तारीख है, जैसे आज क्या है, आज हमारा हो जाएगा 10/7/2020, इस तारीख को मुझे छुट्टी चाहिए। तो काइंडली का मतलब होता है कृपया, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। मैंने इस बात को ध्यान में रखने के लिए बोला है काइंडली का के, रेस्पेक्ट का एस, ये सब एक साथ में मिला हुआ रहना चाहिए। इसके बाद जब आप लिखते हैं, लास्ट पॉइंट में जाता हूँ, अंतिम में ये हिस्सा जिसमें हमें लिखना पड़ता है थैंकिंग यू, ये भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलें कि ये पैराग्राफ को थोड़ा चेंज करते हुए यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू। इस बात को और इसे विशेष ध्यान दें कि थैंकिंग यू लिखें, थैंक्स नहीं लिखें। थैंक्स है हम दोस्ती यारी में चलाते हैं, दोस्ती यारी में दिखा देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक है आपका, टीचर है, वो रेस्पेक्टिव है हमारे लिए, तो रेस्पेक्ट के लिए हमें थैंकिंग यू का यूज करना है। हम यहाँ पे थैंकिंग यू लेकर के यहाँ पे फुल स्टॉप कर देते हैं। आगे नेक्स्ट में है, फिर से एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड के कॉर्नर में लिखेंगे, किनारे में बड़ा रहेगा, इसको भी ध्यान रखना है। आप हमेशा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यूअर्स का वाई हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, यूअर्स, उसके बाद आता है ओबे डी आई ई एन टी एल वाई, ये ओबेडिएंटली, ये सबको ध्यान में रखने चलना है, रखते चलना है। और उसके बाद आ जाता है हमारा नेम, और एक बात को और ध्यान रखना है, नेम के ही साइड में यदि आपको डेट लिखना है तो मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डेट नेम के सीध में ही रहना चाहिए। बस इस प्रकार से बच्चों आपको एप्लीकेशन के लिए थोड़ा तैयारी करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है छोटे छोटे नियम को, बाकी आपका नंबर कहीं पर नहीं कटेगा। ठीक, थैंक यू।